चौधरी शुजात हुसैन साहब से मंसूब खबरों का खुलासा यह है कि वो कहते हैं खत लिखा है, वो कहते हैं खत लिखा है। और मोनिस इलाही साहब से मंसूब खबरें ये हैं कि वो ये कहते हैं कि वो और इमरान खान साहब हार गए, जरदारी साहब जीत गए। मोनिस इलाही साहब से मैं राबता करने की बददस्तूर कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक अब उनका नंबर बंद है। और इस बीच में डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी अपनी नशिस्त पर बराजमान हैं, हाउस फुल दिखाई दे रहा है। अगर उनका माइक खुलता है तो बराए रास उनकी गुफ्तगू आप तक हम पहुंचाएंगे। मोनिस इलाही साहब अभी ऐवान में नहीं पहुंचे, हसन हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, ताजा खबर क्या है? नहीं, वो उन्होंने वीडियो पैगाम लेके आना था ना। नहीं, लेकिन वो ऐवान के अंदर मेंबर नहीं है। अच्छा, मेंबर नहीं है। इजलास शुरू हो चुका है और डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास वो कहते हैं की तासीर शुरू हुआ और तिलावत कलामे पाक जो है वो उसका उसके आगाज किया है। मोहन सलाही जो है वो वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराने की कोशिश करते रहे। मुस्लिम लिफाफ के इंतहाई अहम जराये का ये दावा है की मोहन सलाही ने चौधरी शिजाब हुसैन से मुलाकात की, लेकिन चौधरी शिजाब हुसैन ने कहा की मैंने जो लिख दिया उसको मैं कायम हूँ, या तो पहले मैंने आपको कहा था और आप आए और आसिफ जरदारी से मुलाकात कर ले, साढ़े चार घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन आप हमें ये कह के गए थे कि मैं चौधरी परवेज लाई साहब को लेकर आता हूँ, लेकिन आप नहीं आए। और जरा का ये कहना है जिस पर मोहन सलाही ने उनसे बड़ी कोशिश की और वीडियो के जरिए चौधरी परवेज लाई की और चौधरी शिजाब की। हसन, हमारी इतला ये है कि वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करने में नाकाम रहे हैं मोहन सलाही। बिल्कुल ऐसी है, वीडियो पैगाम नहीं रिकॉर्ड किया जा सका और काफी कोशिश की थी लेकिन वीडियो पैगाम नहीं रिकॉर्ड किया जा सका। और इस बीच नाजरीन को हम ये भी बता दें कि डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी ने उससे खत के बारे में चौधरी शुजात से राबता भी किया, उसकी तस्दीक हासिल की और उसके बाद अब वो कुर्सी पर विराजमान हुए हैं। हसन जी बिल्कुल, जब उनको तस्दीक हो गई क्योंकि ये खर्चा ये था कि मोहन सलाही क्योंकि मुलाकात करने जिस तरह भागे हुए हंगामी तौर पर गए थे और मैंने कोशिश की उससे पूछने के लिए कौन सी हंगामी सिचुएशन काफी होगी, तो उन्होंने कहा ये कभी बात करने का वक्त नहीं है। तो मोहन सलाही फौरी तौर पर जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर भी मुश्किल जराये का ये कहना है की मोहन सलाही ने बहुत कोशिश की कि वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया जा सके। इसी इस्लाम में चौधरी शुजात से डिप्टी स्पीकर के जरिए बाकायदा क्योंकि वो इस टाइम फाइव मकान स्पीकर के तौर पर मातर अंजाम दे रहे हैं, उनके हवाले से जब रब्ता किया गया तो उनकी गुफ्तगू हुई और तस्दीक की चौधरी शिजात हुसैन ने कि ये खत मैंने ही लिखा है और बाकायदा तस्दीक के बाद फिर उसके बाद जो है जब क्योंकि वो सारी सिचुएशन पूरी हो जाती है फिर डिप्टी स्पीकर ने इजलास की सदारत करने के लिए जो है वो रवाना हुए और तमाम जमातों के लिए कहा गया कि वो ऐवान में पहुंचे। अब पंजाब असेंबली का इजलास शुरू हो चुका है और अब मुमकिन है कि काफी बड़ी जो हम देख रहे थे रात जैसी सिचुएशन दिखाई दे रही थी, बड़ी जो है सरप्राइज देने जा रही है मुस्लिम लीग की हुकूमत और हमला के बाद भी।